पहला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है बबलू उस जादूगर। क्या हीरोपंती 2 देखने से मिल सकता है आपको टाइगर श्रॉफ को मिलने का मौका? कैसे टाइगर अनोखे अंदाज में कर रहे हैं फिल्म का प्रमोशन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, आजकल हर जगह हीरोपंती 2 को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हाल ही में इसका एक गाना रिलीज किया गया, विसल बजा 2.0, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और इस दौरान एक डायलॉग जबरदस्त फेमस हो रहा है, वो भी हीरोपंती का। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ आजकल यही डायलॉग सुनने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। ये डायलॉग है, छोटी बच्ची हो क्या? और हाल ही में जब टाइगर श्रॉफ अपने एक इवेंट में पहुंचे थे, तो प्रमोशन के दौरान फैंस ने उन्हें कहा कि प्लीज ये डायलॉग सुनाइए। और जैसे ही उन्होंने कहा छोटी बच्ची हो क्या, टाइगर के फैंस उन्हें जमकर चेयर करने लगे और खूब हूटिंग भी हुई। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी वजह से फेमस हो रहा है डायलॉग कि इस वक्त हीरोपंती 2 भी आ रही है, तो लगातार फैंस अब हीरोपंती 2 के लिए एक्साइटेड होते ही जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक और प्रमोशनल तरीका निकाला है इस फिल्म के मेकर्स ने, और एक चेन बनने वाली है नेशनल मल्टीप्लेक्स की, जिसमें कि टाइगर श्रॉफ को मिलने का मौका दिया जाएगा फैंस को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिल्म देखने जाते हैं और स्पेशल स्नैक बकेट उठाते हैं, यानी कि पॉपकॉर्न टब या कुछ ऐसी थीम रखी जाएगी, इसके बाद आपको टाइगर श्रॉफ से मिलने का मौका मिल सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन टाई अप कर रही है किसी फिल्म से। इसके पहले भी PVR ने अपना नाम चेंज किया था और SS राजामौली की RRR से टाई अप किया था। एक कैंपेन शुरू हुआ था, इसके तहत जबरदस्त प्रमोशन किया गया था RRR का। और अब हीरोपंती 2 की बारी है। आपको बता दें, हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया होने वाली है टाइगर श्रॉफ के साथ। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन होने वाले हैं, जो कि लैला का किरदार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, विसल बजा में जब कृति सेनन को फिल्म ने लोगों ने देखा इस गाने के जरिए, तो लोग बड़े खुश हुए और कहा कि एक कमी थी जो कि कृति ने पूरी कर दी। आपको बता दें, ये फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।